भाजपा के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनील वत्स ने कहा कि प्रदेश में दोबारा से मनोहर लाल की नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इनेलो और कांग्रेस ने प्रदेश को लूटने का काम किया। सुनील जी, भाजपा में, कांग्रेस में और जो दूसरे दल हैं, इनेलो होगी, जेजेपी होगी, में क्या अंतर है कार्य करने में? देखो, भारतीय जनता पार्टी में और अन्य दलों में कोई प्रतिशत का अंतर नहीं है, दिन और रात का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो वंचित व्यक्ति तक जीवन यापन की सभी सुविधाएं पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है। हमारे यहाँ देश और प्रदेश की सेवा, जनता की सेवा करने का एक विजन है, जबकि अन्य पार्टियों के पास केवल टेलीविजन है। आपने किया कि अन्य दलों से भिन्न कैसे है, कांग्रेस पार्टी जो एक परिवारवाद की पार्टी है, नेहरू परिवार से अलग इसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कितने दिन से हाई वोल्टेज ड्रामा चला हुआ है, ये पार्टी गैंगों में बटी हुई है। कहीं किरण चौधरी की गैंग है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा की गैंग है, कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव की गैंग है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है मात्र देश और प्रदेश की सेवा करना, जीवन यापन की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना। INLD जो एक पार्टी हुआ करती थी, पहले INLD कभी पूरी पार्टी नहीं थी, जब तक भारतीय जनता पार्टी का साथ उसको नहीं मिलता वो कभी सत्ता में नहीं आई, और अब तो वो दो भागों में बंटने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि उसका कोई विधायक सेकंड पोजीशन भी ले पाएगा। और रही भारतीय जनता पार्टी, मनोहर लाल और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस जनता ने बहुत बड़ा जनमत देकर के एक विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जनहितैषी हैं और कांग्रेस ने लूट और खसोट में कोई इस देश और प्रदेश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जनता ने ये चुनाव नहीं लड़ा, ये तो कांग्रेस को और अन्य दलों को एक सजा दी है उनके बुरे कामों की। और प्रजातंत्र के अंदर जनता से बड़ा कोई नहीं होता, यदि हम जनता के कामों को छोड़कर अन्य किसी कामों में लगेंगे तो ये हाल निश्चित है। ये कांग्रेस और INLD का जो हाल है, जो हम देख रहे हैं, वो जनता ने अपने गुस्से का इजहार किया जो वर्षों से उनके साथ उन्होंने अत्याचार किए थे। तो गोहाना हल्का के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप देखो, गोहाना का जो विधानसभा है वो सेमी विधानसभा है, यहाँ शहरी और ग्रामीण दोनों को मिलाकर के ये हल्का है। और गोहाना के विधानसभा में हमने भी वर्षों से गोहाना का अन्न पानी खाया, नमक खाया, और हम भी चाहते हैं यदि भारतीय जनता पार्टी मौका दे तो गोहाना का ये कर्ज लोगों की सेवा करके उतारें और इस गोहाना विधानसभा के 90 की 90 विधानसभा में एक कामवाड़ी, एक ऐसी विधानसभा हम बनाएं जो आदर्श विधानसभा, जिसको हम कहें, यदि भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो ये एक मन में है। बाकी हमारा कमल का फूल, हमारा प्रत्याशी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी देगी हम उसी के साथ रहेंगे, और हमें पार्टी मौका देती है तो 100% आगे बढ़ करके जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता है कुलदीप बिश्नोई, उनके घर दो दिन से रेड, इनकम टैक्स रेड डली हुई है। देखो, उनके बेटे ने BJP पे कटाक्ष किया कि BJP का राजनीतिक स्टंट है। देखो, पैसा जो लूटा है कुलदीप बिश्नोई और उसके परिवार, उसके भजनलाल से लूट शुरू हुई थी, उसमें BJP का कोई हाथ नहीं। लूट रखा है तो वो तो हिसाब तो होगा, आज नहीं तो कल, यहाँ नहीं तो परमात्मा को देना है। इसलिए उनको स्वयं चाहिए कि जो काला धन, जो अन्य पैसे है उसका हिसाब दे करके उसको अपनी को वाइट कराएं। और ये तो एक अच्छी हरकत है, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मतलब करवाया है, ये उनके अपने कर्म है, जो उन्होंने जनता को लूटा हुआ है वो हिसाब तो देना पड़ेगा, आज नहीं 2 दिन बाद देना पड़ेगा, यानी परमात्मा को देना पड़ेगा।